नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप संबल कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाओगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे और इसका हमें कमीशन कितना मिलेगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल कार्ड जो है अब एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी बनना चालू हो गया है। तो आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो यदि आप एमपी ऑनलाइन से अपना संबल कार्ड आवेदन करते हैं तो इस पर आपको अच्छा खासा कमीशन भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एमपी ऑनलाइन पोर्टल से हमें संबल कार्ड बनाने के लिए sambal.mponline.gov.in ये जो पोर्टल दिख रहा है, ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, हमें यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है और कियोस्क को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों, हमारा एमपी ऑनलाइन का जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सिंपल से लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे हम हमारा एमपी ऑनलाइन कियोस्क का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर जैसे हम हमारा कियोस्क लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें हमारा कियोस्क का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर हमें कियोस्क का चैनल आईडी और यहाँ पर कियोस्क का विवरण रहेगा, जिसमें कियोस्क का आईडी, खाते में शेष, कियोस्क का नाम, कियोस्क संचालक का नाम, कियोस्क का पता और जिला। तो दोस्तों, सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर रखी है। आप यदि आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक है और अपनी कियोस्क आईडी लॉगिन करोगे तो आपको अपनी कियोस्क की जानकारी यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में दोस्तों, हमें संबल कार्ड का जो आवेदन करना है तो नवीन पंजीयन है तो आवेदन करे पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत आवेदन, कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमें जिस भी हितग्राही का संबल कार्ड ऑनलाइन करना है उसकी समग्र आईडी हमें डालना है और नीचे परिवार आईडी डालनी है और कैप्चा कोड डालकर हमें सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम हमारी समग्र आईडी और परिवार आईडी डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम संबल कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आवेदन कैसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पोर्टल पर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो कार्ड है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से बनेगा और इस पर आपको जो है कमीशन भी प्राप्त होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में हमें कैप्चा कोड डालना है, आपकी समग्र आईडी और परिवार आईडी जो आपने एमपी ऑनलाइन से की थी वो परिवार आईडी और समग्र आईडी यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में कैप्चा कोड डालना है और सर्च समग्र खोजे पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, केवाईसी नहीं है तो आप संबल कार्ड ऑनलाइन नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को पहले केवाईसी करनी रहेगी आधार से। तो दोस्तों, वो समग्र आईडी आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैसे केवाईसी करोगे उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था, तो वो वाले वीडियो की लिंक अभी ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप अपना समग्र आईडी भी केवाईसी करना सीख जाओगे। उसके बाद में दोस्तों, हम कैप्चा कोड डालकर समग्र खोजे पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे हम कैप्चा कोड डालकर समग्र खोजे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर रखी है, जिसमें आवेदक की जानकारी रहेगा, आवेदक का आधार आईडी, तो आवेदक की समग्र में दर्ज जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी और आवेदक के आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी और यहाँ पर आवेदक के आधार कार्ड में जो फोटो है वो फोटो यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक की जानकारी में आवेदक का आधार आईडी, आवेदक का समग्र आईडी, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, माँ का नाम, जेंडर, आवेदक की जन्मतिथि, श्रेणी, आवेदक का स्थायी पता, जिला और जनपद, सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमें अन्य विवरण, तो यहाँ पर आवेदक का प्रकार, तो असंगठित श्रमिक, तेंदुपत्ता संग्रहालय में या विमुक्त घुमक्कड़, तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का आप चयन कर ले। अधिकतर लोग असंगठित श्रमिक में आते हैं तो असंगठित श्रमिक को आपको चयन करना है। उसके बाद में शिक्षा का चयन कर ले, कहाँ तक पढ़े हुए हैं उस शिक्षा का आप चयन कर ले। तो दोस्तों, हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं,
इसलिए आप जिसका भी आवेदन करोगे तो उसकी जो भी जानकारी है उसके अनुसार आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में नियोजन व्यवसाय चुने। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो व्यक्ति क्या काम करता है उस हिसाब से आप अपना नियोजन कार्य व्यवसाय का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उद्यानिकी उद्योग, मछली पालन, वानिकी, रेशम उत्पाद, पत्थर तोड़ने, पक्की ईंट का टाइल्स, जिसमें भी व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का आपको चयन करना है। तो यदि व्यक्ति कृषक है तो एक नंबर का आपको चयन करना है, और अन्य व्यवसाय यदि करता है तो वो व्यवसाय जो भी कार्य करता है उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हाँ को सिलेक्ट करें। जैसे आप हाँ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको देना है, जो भी आपका व्हाट्सएप मोबाइल है वो। उसके बाद में क्या आयकर दाता है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों असंगठित श्रमिक जो है आयकर दाता यदि है तो आप इसमें पात्र नहीं रहेंगे, इसलिए जो आयकर दाता नहीं है वही इसमें आवेदन करे तो यहाँ पर आपको नहीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों क्या आप आपकी पति पत्नी किसी शासकीय सेवा में सेवारत है, यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करें, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करें। उसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर डाला था आपके समग्र आईडी आधार कार्ड में, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परिवार की जो भी आपकी समग्र आईडी में परिवार की जानकारी है वो सारी जानकारी दिखेंगे, कितने सदस्य है जिसमें क्रमांक, परिवार आईडी, समग्र आईडी, नाम, जन्म तिथि, परिवार के मुखिया से संबंध। तो दोस्तों हमने सुरक्षा के लिए सारी जानकारी हाइड कर रखी है, इसलिए आप जिसका भी करोगे उसकी जानकारी दिखेगी। उसके बाद में मैं घोषणा करता हूँ, ये जो चेकबॉक्स है इस पर सभी पे हमें क्लिक करना है, और आवेदन संरक्षित करें पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो है वॉलेट अमाउंट बताया जाएगा कि आपके एमपी ऑनलाइन खाते से कितना अमाउंट कटेगा, और इसके अनुसार आपका जो भी, जैसे इसका 20 रुपये कट रहा है तो 16 रुपये आपको इसका कमीशन मिलेगा। उसके बाद में आपका एमपी ऑनलाइन का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड हमें डालना है, और कन्फर्म पेमेंट पर हमें क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट है, ये रेफरेंस नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले या इसको कॉपी कर कहीं सुरक्षित रख ले, उसके बाद में आप इसका कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे आप अपना एमपी ऑनलाइन का पासवर्ड डालकर इसका पेमेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से प्रोविजनल पेमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ पर शो होगी, संबल रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो दोस्तों ये रिसिप्ट यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर आप क्लिक करें, और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद में इसकी रिसिप्ट निकाल लें। इसकी रिसिप्ट निकालने के बाद में दोस्तों ये जो रिसिप्ट है आप सुरक्षित संभाल कर रख ले। तो दोस्तों इस तरीके से एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो श्रमिक संबल कार्ड के लिए आवेदन हो रहे हैं, इस तरीके से आपको आवेदन करना है, और इस पर जो कमीशन आपको प्राप्त होगा वो कमीशन आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करें, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।